नमस्कार, मैं शालू भत्रा और हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान केवल शिक्षा से ही नहीं मिलता। जहां शिक्षित होना आवश्यक है, वहीं अनुभव और पुराने बुजुर्गों द्वारा बनाई गई कुछ कहावतें जो हैं, अगर हम उनका अर्थ जान लें तो हमें इस बात का ज्ञान होगा कि वो सिर्फ कहावतें ही नहीं है, कहीं ना कहीं इन कहावतों में जीवन का पूरा अनुभव छिपा हुआ है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं ऐसी ही कुछ कहावतों के बारे में। इन कहावतों की न केवल आज हम आपको जानकारी देंगे बल्कि इनका अर्थ भी आपको बताने जा रहे हैं। तो उन्हीं में से एक पुरानी कहावत है, ढींगरा ते आटा डोलना। इसका मतलब है कि आप व्यर्थ में ही कुछ कर ही जा रहे हैं। मान लो घर में हम किसी बच्चे को समझा रहे हैं, पुराने बुजुर्ग जो होते थे उन्हें अपने जीवन का पूरा अनुभव होता था क्योंकि वो अपने जीवन का पूरा पड़ाव पढ़ चुके हैं, पूरी लाइफ में उन्होंने सुख दुख अच्छे बुरे पलों का सारा अनुभव किया है, तो उन्हें इस बात का पूरा अनुभव होता है कि जीवन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसी के चलते बुजुर्ग बच्चों को घर में कुछ सलाह देते हैं कई बार, और कई बार बच्चे उस बात को नहीं भी मानते और वो पूरी कोशिश करते हैं उनको समझाने की। उसके बाद भी जब बच्चा नहीं मानता तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इसको समझाना तो ढींगरा ते आटा डोलना के समान है, मतलब कि उस पे इस बात का असर ही नहीं हो रहा कि सामने वाला हमें क्या कह रहा है, हमारी भलाई के लिए कुछ कह रहा है, हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है, उसे इस बात की परवाह नहीं है। और इसी से मिलती जुलती एक कहावत और है, भैंस के आगे बीन बजाना। ये दोनों कहावतें सेम है, ढींगरा ते आटा डोलना और भैंस के आगे बीन बजाना, का मतलब है कि व्यर्थ में ही कुछ करते जाना, सामने वालों को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत बहुत बार राजनीतिक नेता लोग ऐसे करते हैं कि विपक्ष पार्टी के नेता जब सरकार जनता के हित की बातें नहीं सुनती, सरकार हमेशा अपने ही फायदे के बारे में सोचती है, तो विपक्ष के नेता उनकी फोटो भैंस के आगे बीन बजाते हुए की मीडिया पर या वीडियो मीडिया पर भेजते हैं। तो इसका मतलब है कि सरकार को जनता के हितों से कुछ नहीं लेना देना। जिस तरह से भैंस के आगे आप बीन बजाते रहेंगे उस पर कोई असर नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, भैंस को बीन की आवाज समझ में नहीं आती। इसी तरह से सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता के हित के लिए क्या सही है क्या गलत है, वो सिर्फ अपने ही हित के बारे में सोचती है। तो विपक्ष के नेता इस पर अपनी राजनीतिक चाल चलते हुए उनका भैंस के आगे बीन बजाते हुए फोटो मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। तो भैंस के आगे बीन बजाना और ढींगड़ा ते आटा डोलना का मतलब है कि आप व्यर्थ में ही किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और वो इस बारे में समझता ही नहीं है कि आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और हमारी इन कहावतों का मतलब भी आपको समझ में आया होगा। और बहुत जल्दी ऐसी ही बहुत सी पौराणिक कहावतें आपके लिए लेकर फिर से आएंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और YouTube पर देखते रहिए हमारा चैनल। तब तक नमस्कार।